खड़ो ना हो, अमान हो रही है। खड़ो ना हो, जाओ कहीं से पैवी। बाप भी ऐसा ही हो रहा और बेटा भी ऐसा ही हो रहा, दोनों ने खून भी रख रहे हमारे तो। कहाँ हो रहा मम्मी? कहाँ हो रहा कहाँ? न्यान मत करवा ना भैंस को। आज आज तू कर दे, कल मैं कर दूँगा। रोटी भी मत खाइयो आज आज फिर ना। रात को मैं तो दोस्त के ब्याह गया, मैं लेट होगा सोने। दोस्त के ब्याह में गया? किसका पूछ के गया तू? पापा तो पूछ के गया मैं। पापा तो पूछ के गया? पापा मोटरसाइकिल ना ले गया मैं। पापा भी ऐसा ही हो रहा, रोज की रोज पी के आ जा मैं। तो मौत का कह रहा पापा उठा दा जाके। कितना अच्छा लगा है बोलता। पापा ने खड़ा करवा रहा है। हां ले उठ रहा हूं। मैं उठ रहा हूं। नी सारी नींद की रेड कर दी। रेड कर दी। हां मम्मा डोर ओपन है। अरे बेटा आपको अपनी फ्रेंड के घर नहीं जाना, 9 बज रही है। जाना है मॉम। चलो तो बेटा फ्रेश हो लो। अबे बेटा चलो वो दूध वाला है, वो दूध ले आओ। मम्मा आप चले जाओ ना। चल मैं जा रही हूँ। दूध ले आए? हाँ जी ले आया दूध। जितना मैंने कहा था इतना ही दूध लाया ना। नो 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 ये सब किताब में बोला था मैंने। सब हुआ रखा है कल लिया हुआ। ओके चलो दूध दो, मैं दूसरे बर्तन में कप ला रहा हूँ। ये लो चलो। ठीक है बेटा कल टाइम पे आना दूध। ओके आठ घंटे जी। सुना क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ यार, आप सुनाओ। यार कहाँ बता, मम्मी सुबह 5 बजे उठा देंगे यार गंदे को। हैं 5 बजे? यार दिमाग खराब हो रहा है यार। कैसे स्ट्रगल करते हो इतना, 5 बजे उठ के फिर घर न्यार करके और जब स्कूल आते हो 8 बजे। बस यार करना पड़ता है। मैं तो आराम से उठता हूँ यार 9 बजे, और मेरी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। तेरा सही है, 9 बजे उठे 10 बजे स्कूल आ जा। हमारे यहाँ देखो 5 बजे उठे, फिर होम करना रहे, खड़बड़ गेरो, फिर न्यार करो, वही में 8 बज जा, फिर आधा घंटा वो तैयार होने में लगे और साइकिल पे आधा घंटा आने में लग जा। यार बताओ इतना तो हम किसी शादी में जाते हैं ना तब भी मम्मी से बोल देते हैं कि मम्मी जल्दी नहीं उठना, हम करीबन 8 बजे जाएंगे। 8 बजे भी यार मम्मी उठाती है, हम पे तो उठा ही नहीं जाता। जब हम शादी में जाते हैं लगभग 4-4 बजे इतना होता है। 4 बजे? यार 4 बजे तुम्हारी मम्मी क्या मुर्गो समझती है तेरे को? यार पता नहीं क्या समझती है, आती है लैपटॉप धर देती है मेरे में। हमारी मम्मी ने तो आज तक, मैं 14 साल का हो गया पर मेरी मम्मी ने आज तक मेरे एक उंगली नहीं लगा के देखी। जब मैं छोटा जब मजे आवे अब सजा सी लग रही है। यार वैसे इस हिसाब से तो हमारी मौज आ रही है, हम तो सोचते थे हम भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं पर अब तुम्हें देख के पता चल रहा है। सेक्टर में ही मौज है, गांव में आके देखो पता लग जाएगी। यार हमें तो दूध भी निकालना पड़ता, सुबह सुबह एक आता है दूध वाला, वो दे के चला जाता और अपना पी लेते हैं। वैसे सेक्टर वालों की तो मौज है दूध, या हम तो खुद निकाल कर पी ले। अब देखना मैं अब घर जाऊंगा, मम्मी मेरे से बोलेगी बेटा दूध पी लो, खाना खा लो और फिर कपड़े चेंज करके और सो जाओ, फिर स्टडी के टाइम पे उठना। अरे यार यहाँ पे पूरे दिन भी पढ़ ले, जब भी बोलते पढ़ते नहीं है, पढ़ता नहीं है। एक मिनट के लिए फोन हाथ में ले लिया तो कहते हैं 24 घंटा फोन में लगा रहता है। यार इस हिसाब से तो हमारा सही है, जाता हूँ सोता हूँ फिर मम्मी बोलती है अब 2 घंटे फोन ले ले, टाइम के अकॉर्डिंग फोन मिलता है, फिर 1 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है। चल कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहेगा। चुप चुप चल।